जगह जगह दुर्ग पर चढ़ता गिरी पाषाण घुमाता बहु युद्ध में गज से होगा विक्रम भानु बगाता कला सोलह या चौसठ हो सबका अनोखा ज्ञानी चौदह विद्या विद्या सब योग तंत्र का ध्यानी आदम निगम या इंद्रजाल हो विज्ञानों का वेता बड़ा विमान गगन उड़ाता पानी में चल लेता बांध बनाना भवन बनाना सभी यंत्र का ज्ञानी उड़कर स्वयं ग्रह तक जाता तब भी नहीं अभिमानी वो विवेक गहन संकट में नहीं कभी भी खोता पूछो करना सदा श्वान सा चाहे गहरा सोता उस विक्रम की यश गाथा में जन जन का गौर आया उस बालक को लगने को शत्रु भी लज्जाया कुछ समझ में नहीं आता मंत्री क्या तुम सार के साथ आए हो हाँ साथ आया हूँ क्या आपको कोई कष्ट है नहीं नहीं हमें क्या कष्ट हो सकता है अवंती जनपद के हो परवेश परदेसी है उज्जैन से आ रहा हूँ भाषा बिन कहे बता देती है ये वेश कैसा बनाया है अकेले या माता पिता के साथ आए हो अकेला निकल पड़ा हूँ नहीं रह सकता वहाँ नहीं देख सकता जनपद की दुर्दशा लोगों पर अत्याचार नहीं देख सकता हूँ धीरज रहो सब ठीक हो जाएगा बेचारे निरीह लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं मेरा परिवार भी उसी चपेट में आ गया माता तो थी नहीं पिताजी भाई बहन सबका रक्त उनकी तलवार पी गई मामा के गांव से लौटकर मैंने अपने घर में शक सैनिक को पाया आराम से मेरे घर में परिवार सहित ऐसे रहने लगा मानो उसी का घर हो तुमने उससे कुछ कहा नहीं अपरिचित सा मैं अपने घर के सामने से निकल गया निराश होकर इस सांप के साथ हो लिया लक्ष्यहीन अनाश्रित सांप मार की सेवा कर देता हूँ भोजन मिल जाता है पर वह भी क्रूर है आओ हमारे साथ रहो हम साथ साथ कुछ करें आपके स्नेह के अधीन हूँ कितने अच्छे हैं आप लोग तो हमारे मित्र हो तुम आज से चलो फिर आश्रम में चले मैं तो तैयार हूँ परंतु मेरे साथी और भी हैं कहाँ हैं कौन है कितने हैं आश्रम का पूरा मंडल है मेरे साथ घटकर पर कालिदास शंपणक धन्वंतरी वररुचि मणि विष्णु त्रिलोचन हरि सहित कितने ही हैं साथी हम महाराज अवंती को उन दलों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता आप ही मार्ग बताइए मेरे पास तो न धन है न जन जन तो हमारे ही है एक संकेत पाते ही सारी प्रजा आपके साथ हो जाएगी और प्रजा साथ है तो धन की भी कोई कमी नहीं रहेगी प्रणाम गुरुजी प्रणाम पिताजी प्रणाम आचार्य वर अरे ये कौन है कहां से आए हैं शकराज से त्रस्त हो भाग आए हैं आपके आश्रम में रहना चाहते हैं स्वागत है आपका राजन ये है हमारी शक्ति भगवान महाकाल हमारी इच्छा को बढ़कर युवक हो गए लेकर नव उत्साह नूतन ऊर्जा उनमें पल पल बढ़ती है ना था
छाती पर है मूंग दल रहे शत्रु ये क्लेश, पर तंत्रदार से कैसे पावे मुक्ति मेरा देश। होकर के स्वाधीन सबल हो अपना ये गणतंत्र, भाव सुरेशी बना रहे ये सब में गूंजे मन। अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, परंतु अभ्यास कभी न छोड़े। पूरा जीवन एक पाठशाला है, पग पग पर सीख मिलती है। अब सुनो, सत्यम वद धर्मम च स्वाध्यायान्मा प्रमद, मात्र देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। अरे उठो आर्य, क्या कष्ट है? आचार्य जी, हन हूं मैं। हन? शकपुत्री? हाँ, अप्रतिहत चक्र मां शत्रुबल की पुत्री हूँ। हन शक राजकुमारी, महाशत्रुघ्न की बेटी, और यहाँ? निश्चिंत रहो बेटी, यहाँ तुम सुरक्षित हो। कहो क्या समस्या है? आचार्य जी, मेरे एक भाई पद्मावती में क्षत्रप है, शोडास। शोडास? तब? दूसरे भाई हैं खरोस्त। अच्छा, खरोस्त अवंती के क्षत्रप? हाँ, मैं उनकी छोटी बहन। राजकुमारी और अकेली? माता भाई अबुला थी मेरे साथ। अबुला तो? माता मही के साथ मैं यात्रा पर चलती पद्मावती के क्षत्रप के पास कुछ दिन रहकर काकनाथ फोर्ट पहुंची थी। फिर क्या हुआ बेटी? वहां से हमने उज्जैनी के लिए प्रस्थान किया। कोणार्क से जैसे ही आगे बढ़े कि पर्वती सघन वन में अचानक आतताई डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। बोलो पुत्री, बोलो। पर तुम सुरक्षित हो पुत्री, बताओ फिर क्या हुआ? मेरी माता मही अबुला वही मारी गई। आतताई पर आतताई का आक्रमण? आतताई पर भी आक्रमण? तुम स्वयं आतताई हो। आतताई है, लुटेरे हैं, अत्याचारी हैं। अच्छा किया लूट लिया। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं हैं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि लूटो, लूटने का उन्होंने आदेश नहीं दिया। उख में राम, बगल में छुरी। सारे देश को लूट रहे हो, बच्चों बूढ़ों स्त्रियों की हत्या, निरपराधों की हत्या। लूटपाट लुटेरे हो तुम। सत्य है, दुर्दशा कर दी है अवंती जनपद की, और ये नहीं छोड़ेंगे। आज हम तुम्हें मारो, मारो, मारो। ये अन्याय है। विक्रम 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 विक्रम। अबला पर हाथ उठाना उचित नहीं है, चाहे वह शत्रु नारी ही क्यों न हो। कितने उदार हैं आपके विचार, इस देश के लोग सचमुच महान हैं। फिर क्या हुआ पुत्री? फिर उस हड़बड़ी में हमारे साथ के रक्षक या तो मारे गए या भाग गए। मैं अकेली छिपती छिपाती वन वन भटकती यहाँ तक आप पहुंची हूँ आचार्य। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही मेरी रक्षा करें। अब है तुम्हें, जाओ राजमाता के पास जाओ। आओ बेटी, चलो विश्राम कर लो, अपनी थकान व्यथा और चिंता मिटा लो। जागे हम जागे, हम जागे, हम जागे।
तो पुनः अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए तैयार है गणदेवता? हम तैयार हैं। जय हो स्वामी। आओ मूलदेव, क्या समाचार है? पद्मावती की सेना अब वहां शकराज का साथ नहीं देगी स्वामी। अरे मूलदेव, तुम्हारी चतुराई के सामने कौन टिक सका है? महाराज, चारों दिशाओं से सेनाएं उज्जैन की ओर पहुंच रही है। उज्जैनी के वीर सैनिकों, कल शाम तक शक सेना शिप्रा नदी तक आ पहुंचेगी और जहां तक मेरा विचार है वे लोग रात को ही नदी पार करने की कोशिश करेंगे। अभी शिप्रा पर नाव का पुल है, शक सेना के पहुंचने से पहले ही हमारे सैनिक नावों को खोलकर बहाव की ओर नीचे बहा ले जाए और 5 कोस की दूरी पर उन्हीं नावों से नया पुल तैयार कर ले। 10,000 घुड़सवार पुल बनने से पहले ही वहां नदी पार करने के लिए तैयार रहे। विजय हमारी होगी। जय महाकाल।